हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम जैन रिलीजन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है जैन धर्म, जैन धर्म की शुरुआत किसने की, क्या वाकई महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया या फिर ये बस एक अधूरा सच है, क्यों महावीर जी ने एक सिद्धांत और बढ़ाया और वो क्या था, दिगंबर और श्वेतांबर कैसे जैन धर्म से ताल्लुक रखने के बाद भी एक दूसरे से अलग हैं, जैन धर्म का इतिहास क्या है और कैसे ये फला फूला, जानने की कोशिश करते हैं। आज पूरी दुनिया में 4000 से भी ज्यादा धर्म हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, लेकिन ज्यादा धर्म जो चर्चा में रहते हैं वो इस्लाम धर्म और हिंदू और ईसाई हैं। लेकिन आज हम जैन धर्म की बात करते हैं जो कई बार अपने संप्रदायों प्रिंसिपल्स को लेकर चर्चा का विषय रहता है। सबसे पहले जैन के नाम का मतलब समझते हैं। जैन शब्द जिन या जैन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। वैसे तो जैन धर्म का नाम दिमाग में आते ही इसकी उत्पत्ति का श्रेय महावीर स्वामी को दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच। जी हाँ, महावीर स्वामी जी ने धर्म की उत्पत्ति नहीं की बल्कि इसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। तो फिर कौन थे जैन धर्म के असली संस्थापक। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है और इसके संस्थापक थे ऋषभदेव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म भारत श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। इस धर्म को सबसे पुराना माना जाता है और उसके जीते जागते सबूत हैं सिंधु घाटी से मिलने वाले जैन धर्म के अवशेष, जो ये बयान करते हैं कि ये धर्म आज से नहीं बल्कि भगवान आदिनाथ के समय से अस्तित्व में है। यहीं से जो तीर्थंकर परंपराओं की शुरुआत हुई वो आखिरी और 24वें तीर्थंकर तक चलती रही। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके रहन सहन सिद्धांतों को देखकर ब्राह्मण धर्म की शैली को अपनाकर खड़ा किया गया। आज के समय में कई लोगों को भी यही लगता है कि जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म सब मिले जुले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म के अपने अलग सिद्धांत हैं। बस हाँ, जिस तरह से बौद्ध धर्म में 24 बुद्ध हैं, ठीक उसी तरह से जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें पहले हैं ऋषभदेव और आखिरी महावीर स्वामी। आपको अगर तीर्थंकरों के बारे में नहीं पता तो इसे जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, तीर्थंकर उनको कहा जाता है जिन्होंने ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिया होता है और उन्हीं को यह खास दर्जा दिया जाता है। वैसे तो इस धर्म की नींव ऋषभदेव ने रखी थी, लेकिन महावीर स्वामी जी के दौर में यह धर्म खूब प्रचार प्रसार हुआ, इसलिए कई लोग इनको ही जैन धर्म के संस्थापक मानते हैं। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में इच्छावाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को जन्मे महावीर जी का मन शुरू से ही धर्म, आस्था, ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। इसलिए इन्होंने इसी मार्ग पर चलकर आगे धर्म को अपनाकर न सिर्फ अपने मन को शांति और धार्मिकता दी बल्कि धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे जैसे महावीर जी मानवता का पाठ पढ़ाते गए वैसे वैसे इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। महावीर जी ही थे जिनके अथक प्रयासों और धर्म को आगे ले जाने की लगन के चलते धर्म का विस्तार हुआ। अहिंसा परमो धर्म, ये नारा तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। बता दें, इस नारे का श्रेय भी जैन धर्म को दिया जाता है। इस धर्म में हिंसा ना की जाती है, ना ही दूसरों को करने का हक मिलता है। यही सिंप्लिसिटी लोगों को इस धर्म की तरफ खींचती है। इस धर्म में अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और सत्य के 5 महाव्रतों का पालन करना सिखाया जाता है। पहले 4 होते थे, लेकिन फिर महावीर जी ने 5वां सिद्धांत बताया और वो था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में लोग इन सिद्धांतों का बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। हिंसा, पाप, बुराई से जितना दूर रहा जाए उतना दूर रहने की कोशिश करते हैं। इस धर्म के अनुयायी दिखने वाले जीव जंतुओं को तो बुरा नहीं चाहते बल्कि जो जीव दिखते नहीं है उनको भी ना मारने से कतराते हैं। यही वजह है कि जैन धर्म के ज्यादातर अनुयायी आलू, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन से दूरी बनाकर रहते हैं। इन्हें नहीं खाते क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ये सभी चीजें जमीन से निकाली जाती हैं और जैन धर्म के अनुसार ये सभी चीजें जैव इंद्रियों की श्रेणी में आती हैं, जिनको मारना किसी पाप से कम नहीं है। इसलिए इस धर्म में किसी भी चीज के साथ अत्याचार करने पर सख्त मनाही है, क्योंकि इस धर्म के अनुसार कणकण में आत्मा का वास होता है और आत्मा कभी नहीं मरती। यही कुछ बातें जैन धर्म को महान बनाती हैं और इसके तीर्थंकर को सर्वोपरि बनाती हैं। महावीर जी से पहले यानी 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, जिनके हाथों में धर्म की डोर आते ही इसे एक नई दिशा मिल गई। बताया जाता है कि पार्श्वनाथ जी को झारखंड के एक शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पार्श्वनाथ जी ने ही 4 नियम दिए थे, जिनमें कभी भी हिंसा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और 4था नियम संपत्ति ना रखना शामिल था। ये नियम नहीं बल्कि लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला वो मंत्र था जिसने लोगों पर जादू कर दिया और 250 सालों तक लोग इन्हीं के नियमों पर चलते रहे। लेकिन फिर लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक नियम मानने लगे, धर्म की राह से दूर जाने लगे, आपस में मनमुटाव फैल गया और इन सब विकारों को दूर करने के लिए धरती पर जन्म हुआ महावीर स्वामी जी का, जिन्हें बचपन में वर्धमान कहकर पुकारा जाता था। 30 साल की उम्र में जब ईश्वर की कृपा हुई और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें महावीर नाम मिला। 30 साल की उम्र तक महावीर के माता पिता इस संसार से दूर हो गए और अपने बड़े भाई की आज्ञा से महावीर जी ईश्वर की भक्ति उपासना में लीन होने के लिए जंगल की तरफ गए। यहाँ इन्होंने 12 साल तक कठिन तपस्या की और आखिरकार ऋजुपालिका नदी के पास
और साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बता दें वही स्थान आज बिहार में जैन धर्म के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक माना जाता है। ज्ञान मिलने के बाद इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम किया और इनका जो पहला उपदेश था वो था राजगीर में। महावीर जी के विचारों में वो रस, मिठास और अपनापन था जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता। महावीर जी के दिए गए पांचवें नियम ब्रह्मचर्य को तो लोगों ने ना सिर्फ समझा बल्कि अपनाया भी। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा में विश्वास रखने से मना किया। ईश्वर को मान्यता न देकर आत्मा को सर्वोपरि बताया, लेकिन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, बल्कि जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा को अपनाया जाता है। महावीर जी ने पुनर्जन्म पर विश्वास करने के लिए कहा, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती और ये बात जैन अनुयायी भी दिल से कबूल करते हैं। संसार को अच्छे विचारों का पाठ पढ़ाने वाले महावीर जी ने 72 साल की उम्र में साल 468 BC विहार में धरती पर आखिरी सांस ली और इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन लोगों के लिए अपने उपदेश ज्ञान की विरासत को छोड़ गए। महावीर जी के कई सारे फॉलोअर्स थे, लेकिन इनमें जो सबसे खास थे वो सिर्फ 11 थे और इन 11 में से भी 10 अनुयायियों की डेथ महावीर जी से पहले हो गई। यानी महावीर जी के बाद सिर्फ एक अनुयायी बचा था और उसका नाम आर्य सुधारमन। इसलिए महावीर जी के चले जाने के बाद इनके हाथ में जैन धर्म की बागडोर आई। इस तरह महावीर जी के आर्य जैन धर्म के पहले हेड बन गए और आर्य के बाद दूसरे थे जम्बू, उनके बाद प्रभावा, स्वयंभावा, संभुतियावा, भद्रबाहु थे। संभुतवाजिया के दौरान मगध के राजा धांडा थे, वहीं भद्रबाहु काल के दौरान मगध के राजा की कुर्सी पर चंद्रगुप्त विराजमान थे। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ मगध में रहा करते थे। कुछ समय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी राजगद्दी छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया, लेकिन फिर एक बड़ा फेमाइन आया और भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों के साथ डेक्कन में जाकर बस गए, लेकिन जो अनुयायी इनके साथ नहीं गए वो मगध में थे, स्थूलबाहु के नेतृत्व में आ गए। आप कह सकते हैं कि अब जैन धर्म के दोनों हेड अलग अलग टुकड़ों में बट गए थे। लेकिन फिर 12 साल के बाद जब गंगा वैली का फेमिन खत्म हुआ तो भद्रबाहु ने दोबारा मगध जाने का फैसला किया और ये अपने सभी अनुयायियों को लेकर मगध आ गए। स्थूलबाहु ने जब भद्रबाहु को देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि भद्रबाहु के किसी के भी अनुयायी ने कपड़े नहीं पहने थे। ये देखकर स्थूलबाहु ने भद्रबाहु से कपड़े ना पहनने की वजह पूछी। इस पर भद्रबाहु ने कहा कि हमें जैन धर्म में कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। भद्रबाहु की बात सुनकर स्थूलबाहु को लगा कि ये लोग धर्म के मार्ग से कोसों दूर चले गए, और यही सोच भद्रबाहु की स्थूलबाहु के लिए भी थी। और फिर दोनों के कस्टम्स में काफी अंतर आ गया। दोनों के एक दूसरे के सिद्धांत, प्रिंसिपल सब अलग और गलत रहे। इस मसले को हल करने के लिए पाटलिपुत्र में एक काउंसिल रखी गई, लेकिन भद्रबाहु के अनुयायी नहीं पहुंचे। इसके बाद यह तय हो गया कि भले ही ये दोनों जैन धर्म से बने हो, लेकिन अब इन दोनों का अलग ही रहने दिया जाए। इस तरह कपड़े पहनने वाले ग्रुप यानी स्थूलबाहु को श्वेतांबर कहा गया, वहीं जो बिना कपड़ों के रहने वाले भद्रबाहु का ग्रुप था उसे दिगंबर नाम दिया गया। श्वेतांबर का मतलब था व्हाइट क्लैड और दिगंबर का अर्थ था स्काई क्लैड। बता दें क्लैड का मतलब कपड़ा होता है, यानी सफेद कपड़े धारण करने वाले श्वेतांबर, और आसमान को जो अपने कपड़े, वस्त्र सब कुछ मानते थे उन्हें स्काई क्लैड कहा गया। इस तरह से जैन धर्म से ताल्लुक रखने वाले दो ग्रुप एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर घूमता है कि आखिर दिगंबर नंगे क्यों घूमते हैं, बिना कपड़ों क्यों रहते हैं। इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। ऐसे ही एक बार एक जैन मनी से पूछा गया कि आप तन पर वस्त्र क्यों नहीं पहनते। इस पर मॉन्क ने जवाब दिया कि हम नग्न नहीं बल्कि दिगंबर हैं। नग्न और दिगंबर में बड़ा फर्क होता है, वो भोगी विलासी हैं, वहीं दिगंबर वो हैं जिसने दिशाओं को ही वस्त्र बना लिया। तुम्हारे कपड़े तंतु के बने हैं, लेकिन दिगंबर के कपड़े दिशाओं के हैं, हमने दिशाओं को अपना वस्त्र बनाया। इस जवाब को सुनने के बाद वो शख्स भी शांत रह गया। मुनियों का कहना है कि दिगंबर हमारा वेश नहीं बल्कि हमारी साधना है। हमारे पास वो वस्त्र हैं जिन्हें कभी साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। हमें तो प्रकृति ने वस्त्र दिए हैं जो न कभी फटेंगे और न कभी मैले होंगे, बल्कि आजीवन चलते रहेंगे। कपड़े उतारने का नाम दिगंबर नहीं है, लेकिन हाँ, कपड़े उतारने के बाद निर्विकार और सहज स्थिति में बने रहना दिगंबर की पहचान है। जैन धर्म के दिगंबर साधुओं का कहना है साधु बेदाग होते हैं, उन्हें किसी वस्त्र की जरूरत नहीं होती। जिस तरह पृथ्वी नग्न है, ठीक उसी तरह दिगंबर भी नग्न है। इसी तरह जैन धर्म की शुरुआत एक सिंपल से रास्ते, ईश्वर के मार्ग पर चलने से हुई, और आज जैन धर्म दो टुकड़ियों में बट चुका है। वैसे आपको जैन धर्म का इतिहास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। आप किस धर्म के चाहने वाले हैं ये भी बताना ना भूलें। अब आप हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।